जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण और बेनामी की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो इस एक्सप्रेसवे का सरकार ने NHAI ने इसका अलाइनमेंट और प्रस्ताव तैयार कर लिया गया और कुछ महीने पहले ही इस एक्सप्रेसवे में किसानों के बेनामे प्रारंभ होने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए, कोविड-19 जिस तरह से देश के अंदर बढ़ा है उसी को देखते हुए तहसीलों के अंदर जो कोविड-19 के जो संक्रमित जो तहसीलदार और कानून को अधाल अधिकारी हुए हैं उन्हीं को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण और बेनामे जून के माह लास्ट वीक में प्रारंभ कर दिए जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो NHAI ने इस एक्सप्रेसवे का टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस एक्सप्रेसवे के लिए 600 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है जो कि किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लखनऊ व उन्नाव प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के लिए 60% किसानों के नाम की सूची NHAI को सौंप दी है और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण और जो टेंडर होना है 2 विदेशी कंपनियों का चयन हो गया है और बहुत ही जल्द इस एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे के किसानों से 513 हेक्टेयर जमीन को लेकर तैयारी की गई है और 90% और उन्नाव के अंदर 31 लखनऊ शासन जिले के 11 गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 3A ड्राफ्ट पर 4500 और जमीन अधिग्रहण पर 900 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित लागत बताई जा रही है। दोस्तों 3A धारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये NHAI को सौंप दी गई है और बहुत ही जल्द इस एक्सप्रेसवे का बेनामे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ रही है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का